तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग हैच करने वाले हैं यार हमारे ड्रीम कैचर ड्रैगन को, वो भी ड्रैगन मैनिया लेजेंड्स में। तो यार उसके साथ गेम प्ले भी करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। ऐसे कंटेंट्स मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो गाइस, जैसे कि पिछली वाली वीडियो में एक वीडियो मैंने डाली थी सिगिल कैंपेन, हमने जीत लिया है इस बार का, उसी का ये ड्रैगन है, रिवॉर्ड ड्रैगन है, लास्ट ड्रैगन है उसका। तो भाई ड्रीम कैचर ड्रैगन एपिक ड्रैगन है, काफ़ी बढ़िया ड्रैगन है। तो अभी हम लोग जाएंगे और उसे हैच करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हरमित से हम लोग गोल्ड ले लेते हैं हमारा हरमित। तो चलो यार हैचरी की तरफ बढ़ते हैं। हैचरी यहाँ पे देखो गाइस, मैंने अपने वर्ल्ड का जो नक्शा है थोड़ा सा मैप चेंज कर दिया है, क्योंकि वरना भाई लुक अच्छा नहीं लगता है वर्ल्ड का। तो यहाँ पे मैंने हैचरी को और कहीं शिफ्ट कर दिया है। रुको यार, हैचरी को देखने दो। यहाँ पे देखते हैं हैचरी कहाँ गया भाई। ये रहा हैचरी, इधर इस वाले आइलैंड में मैंने कर दिया है। और यहाँ पे ये रहा हमारा ड्रीम कैचर ड्रैगन। चलो इसे हमने हैच कर दिया है। और हमारे पास ये न्यू है एपिक ड्रैगन है, काफ़ी सही है। और इसके अटैक पावर भी हम लोग अभी देखेंगे। चलो भाई यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कलेक्शन। और यहाँ पे गैस इसका जो डैमेज है अटैक पावर वो है 67। तो गैस बहुत ही बढ़िया है। अगर ये 70 होता तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड माना जाता है। तो गाइज अभी हम लोग इसे फीड करते हैं। तो यार अभी हमने इसे कर दिया है 27 कर देंगे, 27 सही है। चलो यार ये फाइट करने के लिए रेडी है हमारा ड्रीम कैचर ड्रैगन। अभी हम लोग थोड़ा सा इससे गोल्ड लेंगे ड्रीम कैचर ड्रैगन से। और यहाँ पे गाइज ये मारता है शेडो एलिमेंट, लाइट और अर्थ एलिमेंट मारता है, तो काफ़ी सही है। तो चलो अभी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने परफेक्ट ट्रेनिंग जीरो में इसके साथ करवा दिया है, वो भी ड्रीम कैचर ड्रैगन को। और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और भाई इसके साथ जब बैटल खेलेंगे थोड़ा सा आज डिफ़िकल्टी बैटल ट्राई करेंगे, और 25 तो नहीं खेलेंगे, 26 के साथ खेलेंगे, ताकि ये थोड़ा अच्छे से मार पाए। और पता चलेगा साइड वाले ड्रैगन भी इसके बराबर लेवल के लेंगे, और भाई इससे पता चलेगा ये ड्रैगन कितना ज़्यादा पावरफुल है, वीक है, पावरफुल है। पर भाई मैं तो बोलता हूँ इसका जो डैमेज है बहुत ज़्यादा है, 67, मतलब नॉर्मल से तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मल है आप बोल सकते हो, 62 नॉर्मल बोल सकते हो, उसके नीचे वीक बोल सकते हो, और बाकी उसके ऊपर जो है थोड़ा हाई डैमेज है। हाँ हाई डैमेज है ये इसका। और भाई इसका अभी 67 है, तो भाई ये ओवर पावर्ड माना जाएगा। अगर 70 होता बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड माना जाता ये, तो वो बैटल में देखा जाएगा। और मैं इसका बेस्ट एलिमेंट भी बताऊंगा। हर एक ड्रैगन का भाई बेस्ट एलिमेंट अलग अलग होता है, तो भाई उसके बेस्ट एलिमेंट के बारे में भी बात करेंगे बैटल्स में। तो चलो यार अभी फायरबॉल ड्रैगन से हमने ले लिया गोल्ड। ये रहा हमारा बनाना ड्रैगन। और ये देखो गाइस हमारा कोलियाडा, कोलियाडा से मीट करवाते हैं। ये रहा हमारा कोलियाडा। मैंने इसके लिए देखो गाइस सिगिल मैंने भाई चूज़ नहीं किया है। और भाई को इसे सपोर्टर भी दे सकते हैं रोल, और अटैकर भी दे सकते हैं। मैं शायद इसे सपोर्टर या अटैकर दोनों में से एक बनाऊंगा, तो पक्का अभी बनाया नहीं है। और यहाँ पे चलो भाई एनचेंट चेस्ट तो हमें नहीं खोलना है। और गाइस ये देखो भाई ओरिजिन ऑफ विंड इवेंट भी आ रखा है, तो हमारे पास 5 एनशियंट टिकट हैं। चलो यार इन्हें खोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे एंशिएंट टिकट मैंने खोला। मेन जो है भाई ये जो पॉइंट्स देख रहे हो यही मुझे चाहिए, और ये नहीं मिलेंगे तो भाई एंशिएंट अल्टार कैसे, अल्टार से ड्रैगन कैसे मिलेगा भाई। यार वैसे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एंशिएंट अल्टार से एक ड्रैगन, क्योंकि 560 पीस चाहिए इनके। पोकरा है, हाउमी है, और एक नलविंड है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको पोकरा, अगर आप ज़्यादा पॉइजन यूज़ करते हो भाई, पॉइजन ज़्यादातर प्लेयर्स का फेवरेट होता है, आप हाउमी ले सकते हो। पोकरा का जो अटैक पावर है 78 है, और उसका हेल्थ भी 245 है। बाकी ये जो हाउमी और नलविंड ड्रैगन से इसका अटैक और हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं पोकरा ले रहा हूँ। तो पोकरा वैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो
भाई पोकरा मैंने कंफर्म कर लिया कि लूँगा भाई, यार बोल नहीं सकते। 3 पॉइंट्स में वो जब पॉइंट्स निकलते हैं एंशिएंट चेस से, उससे एक एक निकल रहा है। और वैसे 500 चाहिए, वो भी 27 डेज में हमें 500 करने पड़ेंगे। तो यार मैं कंफर्म नहीं हूँ हमें मिलेगा कि नहीं, हम कौन से बड़े प्लेयर है भाई यहाँ पे। चलो यार टीम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाएंगे ड्रीम कैचर को, और सेकंड नंबर पर आएगा बंडित। हाँ बंडित लेते हैं। और थर्ड नंबर पर हम लोग ले लेंगे द सन ड्रैगन। हाँ ये सही है, लेजेंडरी भी है एक टीम में। और यहाँ पे सीधा इस मीटियर ड्रैगन को मारेंगे। चलो मीटियर को ही मारते, स्टॉर्म को नहीं मारेंगे। ये देखो गाइज 15,000 का डैमेज दिया और काफ़ी सही डैमेज है। और इसका अटैक पावर मैं लिटरली बोल रहा बहुत ज़्यादा होती है। और गाइज अभी तो इसके लाइट एलिमेंट मारा हमने, और भाई अभी भी बाकी एलिमेंट्स यूज़ करना बाकी है। तो यार आगे जाके बैटल्स में बाकी एलिमेंट्स भी यूज़ करेंगे, उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है ये एलिमेंट्स। और गाइज ये देखो गाइज 15,000 का डैमेज दे रहा है पर शॉट विथ लाइट अटैक, लाइट एलिमेंट के साथ जिस पर भारी पड़ रहा है ये एलिमेंट उसको ये दे रहा है 15,000। और जिस पर भारी नहीं पड़ रहा है वो 10,000 और 9.9K दे रहा है, और 10K भी दे रहा है। तो भाई सही है। और यहाँ पे अगले बैटल में आ चुके गाइस, ये जो सामने सनफ्लावर ड्रैगन है इसके ऊपर लाइट अटैक लाइट एलिमेंट भारी नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर शेडो भारी पड़ रहा है। तो गाइस शेडो का डैमेज अभी तो यहाँ पे शेडो की बारी आ जाए, शेडो मारेंगे। ये देखो गाइस शेडो एलिमेंट का थोड़ा सा कम डैमेज गया, क्योंकि ये देखो इस ट्राइबल ने शील्ड कर लिया था। तो यहाँ पे ऑरेंज और ट्राइबल को भी मारना है। यहाँ पे ये 9,000 का डैमेज दे रहा है क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड था। तो शील्ड इसका भाई इनका टूटा नहीं है, तो भाई वरना लाइट के बराबर ही देता। तो इसके बेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे, मोड की भी बात करेंगे भाई कौन से मोड में बेटर है। भाई इसके बेस्ट एलिमेंट की बात करें तो भाई यार इसका बेस्ट एलिमेंट है लाइट मैं बोलता हूँ। और इसका कौन सा मोड बेस्ट है इसके लिए, तो भाई मैं बोलूँगा बैटल इसके लिए बेस्ट है। बैटल खेलने के लिए आप इसको टीम में ले सकते हो अगर अभी तक बैटल किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलो यार मैंने बोल दिया। और काफ़ी इसका अटैक पावर बहुत ज़्यादा है। और इसका हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ इसका मीडियम है ना कि लो ना हाई। तो यार इसकी अटैक की वजह से मैं इसे बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड बोल रहा हूँ। तो यार आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना फ्रेंड्स, ऐसी कंटेंट्स मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ। चलो यार मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।